खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। उज्जैन, पिछले 129 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर सफलता अर्जित करने वाले माधव महाविद्यालय पर प्रथम बार नेक की नजरें इनायत हुई और नेक की टीम दौरा करने आ रही है। इसको लेकर विद्यालय प्रशासन सजग उठा है और जनभागीदारी मद से महाविद्यालय के कायाकल्प में जुट गया ताकि महाविद्यालय को ए ग्रेड मिल सके और विश्व बैंक से बड़ी राशि स्वीकृत हो और विद्यालय का जीर्णोद्धार हो सके। उल्लेखनीय है कि शहर का एकमात्र पुराना महाविद्यालय माधव महाविद्यालय में समय समय पर संधारण व निर्माण के कार्य होते रहते हैं, मगर इस बार आगामी 2020 और 21 अगस्त को नेक की टीम माधव महाविद्यालय का दौरा करने आ रही है। इसको लेकर विद्यालय के गांधी हाल, प्राचार्य कक्ष व गर्ल्स कॉमन रूम की रंगाई पुताई का कार्य ओल्ड माधवी एंस संगठन के द्वारा कराई जा रही है तथा जनभागीदारी मद से लाइट फिटिंग व सीसीटीवी कैमरे लगवाने के साथ ही सेड निर्माण व स्मार्ट क्लास का निर्माण किया जा रहा है, जहां आधुनिक पद्धति से छात्र छात्राओं की पढ़ाई होगी। सभी कार्य सरकारी एजेंसी पीडब्ल्यूडी के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। इनका कहना है, माधव महाविद्यालय में 129 वर्ष में पहली बार नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल की टीम का दौरा होने जा रहा है। इसको लेकर जनभागीदारी मद से रंगाई पुताई व निर्माण कार्य, लाइट फिटिंग करवाने के साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगवाकर विद्यालय को हाईटेक किया जा रहा है ताकि विद्यालय को ए ग्रेड मिल सके और विश्व बैंक से 11 करोड़ की राशि स्वीकृत हो सके। विद्यालय में नेक नहीं होने से विश्व बैंक से मिलने वाली सहायता से वंचित है। टीम विद्यालय के सभी विभागों के दस्तावेज के अलावा महाविद्यालय के कार्यों व परिणामों के दस्तावेजों का अवलोकन करेगी। डॉक्टर मंसूर खान, प्राचार्य माधव महाविद्यालय। विद्यालय की स्वच्छता सुंदरता के लिए शिक्षक संघ के समस्त साथियों की मदद से 110 पौधे में गमलों के भेंट किए गए ताकि बगीचे का सौंदर्यकरण हो सके। इसके लिए सभी तत्पर हैं। रवि मिश्रा, अध्यक्ष शिक्षक संघ माधव महाविद्यालय। माधव महाविद्यालय में नेक को लेकर छात्र छात्राओं में काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है। सभी अपने तय विद्यालय को ए ग्रेड में लाने के लिए प्रयासरत हैं। बबलू खींची, पीएचडी स्कॉलर छात्र नेता। जा रहा है इस पर माधव कॉलेज के छात्र छात्राएं नेक के लिए काफ़ी उत्साहित है। सभी लोग मिलजुल कर प्रोफेसर छात्र छात्रा सब मिलकर नेक के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस बीच पूरे माधव महाविद्यालय की कायाकल्प हो रहा है। नई नई चीज़ें आ रही है, स्मार्ट क्लासें बन रही है, चल आ रहा है, नई छुट्टी हो रही है, सब उत्साहित है। क्यों ना आज कॉलेज में कुछ नया मिलना और उसकी संभावना है। 129 साल में आज तक जो हुआ, अगर नेक की टीम ए ग्रेड दे जाती है तो ये विशेष उत्कृष्ट कॉलेज बन जाएगा। माधव महाविद्यालय मध्य प्रदेश का गौरवान्वित कॉलेज से बहुत पुराना कॉलेज है, तो नेक के लिए सभी मिलजुल कर तैयारी कर रही है बड़ी जोर शोर। उसके लेकर कॉलेज प्रशासन और शिक्षक संघ, अपना 128 साल पुराने कॉलेज में पहली बार ये नेक की टीम आ रही है। कितने साल पे? 128। ये हमारा पूरा कॉलेज का इतिहास, मतलब जब से कॉलेज बना है पहली बार नेक की टीम आ रही है। तो सभी शिक्षक साथी जुटे हुए हैं हमारे पूरे काम में, कुछ डिपार्टमेंट में लगे हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की ठीक ठाक करने में लगे हैं, कुछ हमारे जो मतलब अलग अलग ड्यूटीज हमारे प्रिंसिपल ने सारे टीचर्स को दिए हैं, तो हम लोग अलग अलग सब कॉलेज में सहयोग कर रहे हैं। शिक्षक संघ के साथियों ने अभी हमारे ये 100 पौधे आप देख रहे हैं, करीब 150 है, अभी 100 आए हैं, 50 और आएंगे। शिक्षक साथियों ने ये गमले डोनेट किए हैं और सभी शिक्षक साथी मतलब तन मन धन से जो भी हम लोगों को ज़रूरत लग रही है, छोटी मोटी डिपार्टमेंट में जो हम लोगों को कॉलेज से ग्रांट मिली है, उसके अलावा जो हम लोगों को ज़रूरत लग रही है, तो अपने खर्चे से पर्दे लगा ले रहे हैं, अपने खर्चे से वो करे ले रहे हैं, इस तरीके से सब मदद जाते हैं। उससे फ़ायदा क्या मिलेगा शासन? हम लोगों को ए ग्रेड हम लोग चाहते हैं। हमारा इतना पुराना कॉलेज है, हमारे यहाँ बहुत काम हुआ है, हमारे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे लोग बाग यहाँ से निकले हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे कॉलेज को, इस पुराने कॉलेज को भी ए ग्रेड मिले। इससे हम लोगों को संस्था के लिए और विकास के लिए UGC की तरफ से ग्रेड मतलब ग्रांट बढ़ेगी, जो अभी वो नेक हो जाने के बाद हम लोगों को और ग्रांट मिलेगी, जिससे हम इसका विकास कर सकते हैं। आपका नाम सर? डॉक्टर रवि मिश्रा। देखिए, हमारे यहाँ पर 2021 को नेक टीम का दौरा प्रस्तावित, नेक टीम आ रही है,
और 129 साल के पश्चात पहली बार माधव महाविद्यालय में नेक टीम आ रही है। अभी तक माधव महाविद्यालय में नेक टीम नहीं आई, और उसी तारतम्य में हमारे यहाँ पर रंगाई बुकाई और बिजली फिटिंग का कार्य चल रहा है। ये जन भागीदारी के द्वारा मतलब चला है, जन भागीदारी मंच द्वारा ये कार्य चला है, और इसी के साथ साथ एक स्मार्ट क्लास भी यहाँ पर MLW में लगाई गई है, नई स्मार्ट। तो नई स्मार्ट क्लास से भी मतलब बच्चे ज़्यादा लाभान्वित हो सकेंगे। तो इस तरह से मतलब एक्चुअली में पूरा का पूरा महाविद्यालय जो है अभी 2021 नेक की तैयारियों में जुटा हुआ है, जिसके अंतर्गत मतलब बहुत से कार्य करना पड़ते हैं। मतलब केवल रंगाई पुताई या बिजली फिटिंग ही नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स हर विभाग के 5 साल तक के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रखना पड़ता है। मतलब डिपार्टमेंट वाइज भी NSS के, NCC के, क्रीड़ा के, विवेकानंद करियर मार्गदर्शन के, मतलब जितने भी विभाग हैं, इसी तरह से मतलब हमारे यहाँ पर किस तरह से जो जो भी कार्य हुए हैं, जो माधव महाविद्यालय में जितने भी कार्य हुए हैं, यहाँ पर जिस प्रकार का हमारे रिजल्ट रहा है, उन सब का 5 साल का रिकॉर्ड यहाँ पर संधारित किया गया। सर नेक देखिए, यदि हमारे यहाँ पर नेक टीम आ रही है ये तो निश्चित है, लेकिन यदि हमें अच्छी ग्रेड मिल जाती है तो ऐसी दशा में हमें रूसा के माध्यम से, विश्व बैंक के माध्यम से बहुत अधिक राशि यहाँ के बिल्डिंग निर्माण के लिए मिल सकती है। अभी हमारी जो भी राशि है रूसा और विश्व बैंक से, वो केवल इसीलिए रुकी है कि महाविद्यालय में नेक नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पर जो ओल्ड माध्यमिक है, जो कि मतलब 60-62 में महाविद्यालय में जो प्रवेशित थे, वो ओल्ड माध्यमिक के जो भी अभी मतलब काफ़ी कहीं ना कहीं मतलब बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर वे लोग स्थापित हैं माधव महाविद्यालय के, तो इनके ने जो शताब्दी हाल है, जो कि हमारा 129 साल पुरानी धरोहर शताब्दी है, तो शताब्दी हाल साथ ही साथ प्राचार्य कक्ष और इसके साथ ही गर्ल्स कॉमन रूम में जितनी भी पुताई का कार्य किया गया है वो ओल्ड माध्यमिक की ओर से ही किया गया। खबर समय जगत के लिए उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।